मेरा इंटरव्यू लेकर अभी तक मस्ताना ने नहीं चलाया, जो इसके साथ एक चश्मा बनाकर अल्लाह ने तो उसको पैदा ही अंधा बनाया है, उसने आज तक मेरा इंटरव्यू नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? जब लिए तो चलाओ ना, बताओ लोगों का। नहीं बताते, सिर्फ ये दलाली करता है एपी सिंह का और सीमा का, बेगरत। मस्ताना आए, मस्ताना मेरे साथ बात करे, इंटरव्यू ले, सीमा को भी बैठाए, सवाल जवाब करे ना। इसकी गांड पड़ती है उस टाइम बात करने में, शर्म नहीं, अकेले में चुप चुप करके हां भाई आप क्या कहते हो, लानती रहे तेरे बेगरत। इसका तो यही कहना है ना, आज हमें सीमा खिला रहा है, कल सीमा के बच्चे खिलाएंगे, हमें क्या है? उनके तो अपने है नहीं, जो उनको कोई तकलीफ हो, अगर उनको तकलीफ होता अपने बहनों को यूट्यूब चैनल जब बनाना आयब नहीं है, मगर उनके तौर तरीके आप खुद देख सकते हो कैसे कमा रहे हैं। कमाए, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें करो लोगों को, सिर्फ है प्लान हो गया। सीमा नाच रही है उसको दिखा रहे हैं, सीमा नहा रहा है उसको दिखा रहे हैं, सीमा कंघी लगा रहा है उसको दिखा रहे हैं, और कोई काम बचा ही नहीं है इनके पास। कभी उसको मक्खन बना के रोटी में खा रहा है ये भाई एपी सिंह, कभी बोलते हैं क्या क्या लफ्ज़े इस्तेमाल करते हैं वो हमें कहना भी शायद नहीं आए, कभी रबड़ी बोलते हैं, कभी मलाई बोलते हैं, कभी चटनी बोलते हैं। भाई ऐसे नहीं बोलते, बहनों के लिए जान तक दे देते हैं। आप निकम्मे हो, खोटे हो, एक मकार और दलाल हो एपी सिंह, यकीन मानो। आप ऐसे लफ्ज़े इस्तेमाल करते हो एक औरत के बारे में, बेगैरत कोई भी है। मैं जो है बोलते है बड़े बड़े केस लड़ता हूँ, आप डूब मरो आप ऐसे केस लड़ने में, आप वकील हो घटिया। आप हम आकर आपको जूतों का हार पहनाते हैं, चार गले में आपने हार अपने गले में डालते हैं, एक सीमा के हार गले में डाला के दुनिया को बताते हैं, देखो सीमा तो कितना खुश है। शर्म नहीं है तेरे को? शर्म और हया थोड़ी भी होती तो आप ऐसे बोलता? एपी सिंह मैं आता हूँ, बार बार आपको बेनकाब करता हूँ, हर बात का जवाब मेरे पास है। अगर आपके पास क्या है झूठ के सिवाय, आप कहो ना, आप आओ, आप हमें बोलो, बताओ। मेरे बच्चों का परवरिश आप करोगे, आप इनका क्या लगते हो? आप पहले ये तो बताओ, आपके साथ मेरे बच्चे महफूज नहीं है, मैं कह रहा हूं, आप बोलते हो। मैं दावा करता हूं, अपने बच्चों को संभालो, अपने पोती पोतों को संभालो। तुम कौन होते हो हैदर के बच्चों को संभालने वाला? बेशरम, पाकिस्तानी बच्चे हैं वो, हैदर के बच्चे हैं, ये याद रखना। आपका पीछा मरते तक भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आप ये सोच रहे हो बच्चे तो मेरे आएंगे, आज आए, कल आए, परसों आए, आपको नहीं छोड़ूंगा मैं कभी भी। आपको अपना असली चेहरा बताऊंगा कि हैदर क्या था और क्या है, ये याद रखना। आप लोगों को, कुछ लोग जो आपके साथ है, चार आगे चार पीछे घूमते हैं, ये तुम्हारे दलाल हैं, तुम्हारे से पैसे खाते हैं। हैदर गरीब जरूर है, कंजर नहीं है, आप जैसा दलाल नहीं है, मक्कार नहीं है, बेगरत। तुमको दिन के तारे में दिखाता, तू कौन है यहां सीमा के अगल बगल में बैठने वाला? वो बेगरत उनको भाई कहता है, सजन कहता है कि मेरी ये घरवाली है, तुम अपनी घरवाली दूसरों के साथ बैठाओ, बेशरम, बेहया, बेगरत, दल्ला, लानती शख्स। पता नहीं आप पता नहीं मुआशरे को क्या कौन सी मैसेज देते हैं। मुझे तो, मैं इस बात पे हैरान हूं अल्लाह की कसम, लोग सोचेंगे कि सारे इंडिया ऐसा है, सारे इंडिया बहुत अच्छे हैं, आप घटिया हो। एपी सिंह ने मुआशरा खराब किया है। और कौन है ये दगड़ दल्ला नितरपाल, जो दो वक्त की खाने की रोटी नहीं होती थी, फाके पड़े होते थे, कल का दिन है, छह दिन भी नहीं हुआ, ये डेढ़ माह पहले जाकर देखो तो सही, इसके किचन में था क्या? सीमा ने एक चैनल बनाया, थोड़ा सा नाच गाना किया, लोगों को कभी पेट दिखाता है, कभी कमर दिखाता है, पैसे आते हैं तो सब घर वाले खुश हैं, बहू आ गई है, तुम्हारे बाप की बहू है बेगरत। शर्म नहीं है आपको, हया नहीं है, दगड़ दल्ला, कोई दुनिया में इसको लानत भेजने वाला नहीं है एपी सिंह को। मैं तो हैरान हूं, अपने बहन भाई इंडिया वाले सुबह शाम हम ऐसे थूबी से इस शख्स पे नहीं करेंगे, सजन से और नेत्रपाल से हमारा थूक भी लाख दफा अच्छा है। बेगरत, आप उधर जाके बोलते हो कि हैदर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया था, बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए गया था। लानतीर, बेगरत, बेहया, आप मेरा मुकाबला करोगे? एक बाप का मुकाबला करोगे? एक बायशऊर गैरतमंद बच्चों के लिए ऑटो रक्षा चलाया, दिन रात मेहनत मजदूरी, मार्बल टाइल का काम किया, इधर भी अच्छा नहीं लगा तो परदेश में जाकर कमाया। तो मेरा मेरे जूते का भी मुकाबला ये सजन कर सकता है? एक लपाट भी ऐसा आपको मारू ना, आप पता नहीं कहां नजर भी नहीं आओगे। लानतीर,
आप मेरे बच्चों की भीख खा रहे जो है ना, कमा के आप लोगों को दे रहे थे, आप लोगों को अच्छा लगा। नेत्रपाल से कोई पूछने वाला नहीं है, अदालतें हुकूमत सबको जो है ना एपी सिंह ने खरीद कर लिया, जो अदालतें इंडिया के अंदर है दुनिया में जो सबको, बस एपी सिंह नाच रहा है मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा। तू क्या करेगा कंजर, वो दगड़ दल्ला कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ जो है ना सीमा को पुला खिलाता है, झूठ बोलता है, आप नजर भी नहीं आते कभी भी, लानतीर शख्स बेहया। तुम्हारी घर के अंदर ऐसी होती होगी है ना कि आप बोलते हो कि हैदर के बच्चे 4 साल पहले थे, तुम्हारे बाप दादा ने पैदा किए 4 साल पहले थे, तो तुम्हें शर्म नहीं है? तुम कौन सी बातें आगे मीडिया के अंदर कहते हो लानतीर? वो भाइयों पे मेरा सवाल है कि आप बेगरत को अपने सवालों के ऊपर पकड़े, क्या क्या बकता रहता है? आज तक मैंने जो प्रूफ दिए एक भी सीमा के पास है कोई जेनवन? यार ये मुआशरा, ये लोग, ये जो भलाना मस्ताना, ये जो लानती शख्स आके मैच सीमा के हाथ में देते हैं, कभी सवाल पूछे है? मेरा इंटरव्यू किया मस्ताना ने, आज तक क्यों नहीं चलाया लानतीर ने? मस्ताना मेरा आपसे भी सवाल है, आप एक रिपोर्टर हो ना, मेरे को भी बिठाओ, सीमा को भी बिठाओ। लानतीर किधर है तू, सिर्फ बातें करता है तू? सवाल उठता है, तुमने मेरा चैनल पे मेरे साथ बात की, मेरी आवाज तुमने सुना तो तुम चलाओ, आज तक तुमने पब्लिक नहीं किया वो इंटरव्यू तो मेरे से लिया जरूर इसने, आज तक शो नहीं किया क्यों? चलाएगा तो एपी सिंह नाराज होगा, चलाएगा तो सीमा के हलवे कौन खाएगा, सीमा के तलवे कौन चाटेगा? सुबह शाम उनको बिठाते हैं। आज डॉक्टर एपी सिंह ने ये बोला लानतीर, ऐसी डॉक्टर के मुंह के अंदर बेगरत, ऐसे डॉक्टर होते हैं? डॉक्टर का बहुत बड़ा रुतबा है। अरे मैं बगैर लिखा पढ़ा भी आपसे बहुत, मैं आपको यकीन मानो बहुत मैं अच्छा महसूस करता हूँ आप जैसा दगड़ दल्ला से, तो मैं कहता हूँ मैं लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। जो लिखे पढ़े आप जैसे हो, आप जैसा सोच हो बेगरत, इसलिए कहता हूँ ना, फिर भी मैं बहुत दफा लाख गुना में बहुत अच्छा हूँ कि एपी सिंह जैसा मैं नहीं हूँ। हमें सोच है, शऊर है, गैरत है, जज्बा है, सब कुछ है। आपके पास क्या है? दगड़ दल्ला, कोई केस इसके पास नहीं बचा, जाके सीमा के पास ये बैठ गया। अब इधर से मेरा इनकम भी होगा, दलाली भी करूंगा, भड़वागिरी भी करूंगा, सुबह शाम आऊंगा भी जाऊंगा भी। बेगरत, इंडिया के अंदर दूसरे लोग ऐसे हैं किसी के घर में जाते हैं सुबह शाम बहन भाऊ बहू के साथ बैठते हैं, बेगरत आप सिर्फ बैठते हो, आपको हया है? गैरत लानतीर, सारे मुआशरों को आप कौन सा मैसेज देते हो? सारे इंडिया वाले लोग ऐसे होंगे, लानतीर तू खराब है, बेशरम है, बेहया, बेगरत। आपको लानते बेच बेच के मेरा गला तक बैठ गया, मगर तुम्हें थोड़ी भी हया नहीं है, शर्म नहीं है, किसी अच्छी मां की जो है दूध आपके अंदर जो है ना गया नहीं। लानतीर, आपके घर वाले भी गूंगे बहरे और अंधे बन चुके हैं, मुझे नहीं सुनेंगे, एक बाप की चीख चिल्लाने की आवाज इनकी दर्द नहीं सुनता कोई दुनिया में। आपके जो है ना आपके घर के अंदर भी यही मुआशरा होगा जो तू दुनिया में बाहर फैला रहा है। सुबह शाम मन डंड के दो फूल अपने गले में एक, सीमा के गले में बैठ गया लानतीर। अब वकील है तो अदालतों के पास जा, ऑफिस में बैठ बेगरत, तेरा क्या काम है? शर्म नहीं है बेगरत तेरे में? वो थोड़ी सी गैरत की खून जिसके अंदर कतरा होता है ना, वो भी नहीं है, निचूड़ से जो निचूड़ा हुआ भड़वा है तू बेगरत। सुबह शाम मैं आपको इधर लानते भेजता हूं, थोड़ी सी भी गैरत जागती है कि मैं ना जाऊं? यार एक बाप रो रहा है, चीख रहे, चिल्ला रहे, दुनिया में मैसेज दे रहे, दगड़ दल्ला ऐसे होते हैं इंटरव्यू वाले, ऐसे होते हैं, आवाज उठाता है लानतीर अपना यूट्यूब चमकाने के लिए, सिर्फ वो जो है ना दलाली सीमा का करता है। कहा है ना, चैलेंज करता हूं मेरे साथ बात करे, सीमा को भी साथ में बिठाए, नहीं आ सकते ये बेगरत लोग है। एपी सिंह हो गया, ये जो मस्ताना एक कंजर, शायद इनके घर के अंदर भी ना मां बहन बेटी कुछ है ही नहीं, कोई सवाल खड़ा नहीं करता इसके साथ, ये मैसेज पूरी दुनिया तक जाती है, कहीं कहीं से लोग देखते हैं। मैं मीडिया में आके कहता हूं सीमा को भी बिठाओ, मुझे भी बिठाओ, तो बिठाने में आप लोगों का फटता है। एपी सिंह का जो जूते कौन खाए आप लोगों के साथ, जो पैसा मिलता है पकोड़े और अच्छी रोटियां पकी होती हैं वो कौन खाए? आप सिर्फ दलाली करो, आप दलाली करो बेशरम। तब से मैंने कहा सीमा से एक खरा सवाल आप लोगों ने आज तक पूछा कि घर किसका था, किसने मेहनत मजदूरी किया, किस हिसाब से आया? आपकी बहन भाई बेटी क्या है, क्या करते हैं? अब भी आपके लिए परेशान है, पाकिस्तान से इलीगल बच्चों को लेकर सजन एक कंजर साथ बैठा हुआ है, आपको कोई बस छोड़ देगा? अब मैं खुश हूंगा
तमाशा देखूंगी सजन मेरे बच्चों के साथ बाप बन के बैठा हुआ है, तालियां बजाए थू एपी सिंह तुम्हारे को बेगरत। कानून में अदालतें हैं, अदालतों पे पूरा विश्वास है, अच्छे लोग हैं। हर बार मैंने आपको बेनकाब किया, अब भी कर रहा हूं। अगर थोड़ी सी भी गैरत हया शर्म और अच्छी पैदावार आपकी होती ना, आप कभी भी नहीं आते, अच्छा इंसान नहीं हो। लानतीर आप मेरा मुकाबला एक बाप का मुकाबला कर सकते हो? बोलते लिखा पढ़ा नहीं है। अरे लाख दफा बेहतर है हम लिखा पढ़ा नहीं है तो, आपसे तो मैं लाख दर्जा हमारा जो है ना इज्जत भी ऊंचा है कंजर तुम्हारे से। तुम जैसा मैं दगड़ दल्ला तो नहीं हूं ना, तुम सिर्फ सीमा के अगल बगल में घूमू, अपना काम धंधा दुनिया का काम छोड़ के सिर्फ हैदर के बच्चों के पीछे पड़ो, तो ऐसे चाटे आपको मारूंगा तो याद करेगा। बेगरत कहीं का कंजर को मैं हाथ नहीं जोड़ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मैं 10 दफा भी हाथ जोड़ू मुझे कोई बुरा नहीं लगता। वो अदालतें हैं, पूरा विश्वास है उनके ऊपर, अदलिया है। ये कहते हैं ये रोता है, मैं अपने बहन भाइयों को अपना हाल सुना सकता हूँ। आप कंजर हो, तू तो तेरे को तो मैं सुबह शाम चित्रोल करता हूँ, सुबह शाम लानते भेजता हूँ आपको। कंजर कहीं का दल्ला। अरे लोग सुनने वालों को यार कसम खुदा की हैरान जैसी बात है, क्या आपको भी सुनते हैं, आपको भी माइंड देते हैं? हम तो ऐसा चप्पल मारेंगे आपको, आप नजर भी नहीं कहीं आओ। सरदार जी लोग हैं, बहुत अच्छी हैं, पंजाब के अंदर भी बहन है भाई बेटी सरदार इस मामले में कम आ रहे हैं। क्यों? सरदार पावरफुल लोग हैं। हाँ ये कौन है? ये मीना की कमेटी में जो ये एक दगड़ दल्ला जो आता है इधर, ये कौन है? हिंदुस्तान के बढ़ चढ़ के लोग जो है साथ देते हैं, जो पंजाब के रहने वाले सरदारों को भी मेरा कहना है कि आ गया हो कहां हो इस टाइम भी पाकिस्तान में आप जुड़े हो, कितनी इज्जत मिलते हैं इनको पूछो। आते हैं जाते हैं, इनकी गुरुद्वारा सब कुछ बड़े चीजें इधर ही है, इधर आते हैं, इनको लाख दफा इज्जत मिलता है। दगड़ दल्ला एपी सिंह आप इनका मुकाबला करोगे? मेरे सरदारों से भी गुजारिश है जो सरदार पंजाब के रहने वाले अंदर लोग हैं वो भी आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा दे, हिस्सा लगाए, बच्चों के लिए जोर करें। नाइंसाफी मेरे साथ हो रही है, आप क्यों चुप हो खामोश हो?